खाना क्यों नहीं खाया तूने? आप ही ने खाना खाया। ओफो, पड़ी तुझे उसकी फिक्र है। भूखा नहीं मैं मारती उसे। जितनी फिक्र तुझे उसकी है कभी मेरी भी की है तूने? अम्मी आप क्यों करती हैं उनके साथ ऐसा सलूक? ना अब्बू और आपकी शादी होती और ना उनकी जिंदगियों बर्बाद होती। क्या कहा तूने? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी किस्मत फूट गई। हर लड़की के अरमान होते हैं। मुझे मुंह दिखाई में हीरो के हार नहीं मिले। इनकी साबका बीवी की टूटी हुई मसहरी और दो बच्चे मिले थे। मेरे साथ ना इंसाफी हुई ये कभी मत भूलना, समझी ना? मेरी तो माँ भी नहीं थी, बाप ने लाके यहाँ पटक दिया मुझे। तो अम्मी बुरा क्या हुआ? अब्बू आपका इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ तो करते हैं। अरे कुछ नहीं किया, जो कुछ तेरे और मेरे लिए रखना चाहिए था वो छोड़ दिया उस नाशुक्रे वकार और उसकी बहन के लिए। अरे जिनके लिए कुछ किया जाता है ना उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं क्या? अम्मी घर मोहब्बत और रिश्तों से बनते हैं। अगर आप अपनी सौतेली औलाद को सौतेली औलाद ही समझती रहेंगी तो ये घर आपको हमेशा मकान लगेगा। कभी कभी तो लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ आप ही की बर्दाश्त और आपके जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। या तो तू मेरा कसूर और उसके कसीदे पढ़ ले या फिर खाना खा ले, अब मैं तेरे नखरे नहीं उठा सकती। और एक बात, मुझे किससे कैसे पेश आना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू उनकी हिमायत करना बंद कर। ये दोनों हमेशा से मेरी सेज का कांटा थे और कांटा ही रहेंगे।